हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. दिस इज योर मैथमेटिक्स टीचर इंजीनियर ताहा शाहिद. टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 11 ऑफ ओल्ड बुक एंड चैप्टर नंबर 12 ऑफ न्यू बुक फर्स्ट ईयर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स. फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस फंक्शन साइन एक्स. y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स. साइन एक्स की हम बात कर रहे हैं. फंक्शन क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये है कि फंक्शन एक ऐसी वैल्यू को कहते हैं जिसमें हम कोई ना कोई वैल्यू को इनपुट करते हैं, वो इसमें ऑपरेट होती है और एक हमारा आउटपुट आएगा आता है. जो वैल्यू हम इनपुट करते हैं फंक्शन में उसको डोमेन ऑफ अ फंक्शन कहा जाता है, और जो हमारे पास आउटपुट आता है उसको रेंज या फिर हम को डोमेन कहते हैं. मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू 2x + 3, तो हम यहाँ पर पुटिंग x इज इक्वल टू 1, अगर x की जगह 1 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 2, x की जगह 1 आ गया, y की वैल्यू 2 + 3 मतलब 5 आ गई. मतलब हमने x की जगह 1 रखा. 1 क्या है? इसका इनपुट है. तो 1 क्या है? बेसिकली इसकी डोमेन है. और इसकी रेंज क्या आ रही है? इस वन रखने पर जो आउटपुट आ रहा है उसको रेंज कहा जाता है. तो वन हमने इसमें रखा, वन इसमें ऑपरेट हुआ, ऑपरेट होने के बाद हमारे पास एक आउटपुट आ गया. अब हम बात कर रहे हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स साइन एक्स की. साइन फंक्शन की बात की जा रही है. साइन फंक्शन का ग्राफ सबसे पहले हमने यहां पर लिखा है. साइन का जो ग्राफ है x और y एक्सिस पर हमने बना है. साइन का ग्राफ बेटा 0 से शुरू होता है, 0 डिग्री से, और ये 360 डिग्री पर जाकर अपना एक साइकिल कंप्लीट करता है. बेटा साइन का जो ग्राफ है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करता है. इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें कब मिलती है? मैक्सिमम वैल्यू इसकी हमें 1 मिलती है, और 1 हमें मिलता है 90 डिग्री पर. फिर ये 0 हो जाता है, 0 होता है ये 180 डिग्री पर. फिर इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो ग्राफ की आती है -1. तो साइन एक ऐसा फंक्शन है जो कि मैक्सिमम वैल्यू अपनी 1 अचीव करता है और मिनिमम वैल्यू जो है -1. तो हम ये बात कहते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स जो है वो +1 है, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स जो है -1 है. मतलब ये 0 से शुरू हुआ, ये जाएगा 1 पर, फिर ये नीचे आएगा 0, फिर ये -1, फिर वापस 0. तो ये जो साइन का ग्राफ है ये 0 से शुरू होता है, 1 जाता है, फिर 0, फिर -1, फिर 0. मतलब 1 से -1 के दरमियान इसकी वैल्यूज आती हैं. साइन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसका पीरियड जो है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है 360 डिग्री के, या फिर वो बराबर होता है 2π रेडियंस के. तो 2π रेडियंस के बराबर होता है या इसके बराबर होता है? पीरियड क्या होता है? पीरियड एक ऐसा इंटरवल है जिसके ऊपर फंक्शन अपनी वैल्यूज को बार बार रिपीट करता है. जैसे कि अगर मैं बात करूं y इज इक्वल टू साइन 30 की, साइन 30 का रिजल्ट आता है 0.5. अगर मैं 30 में ऐड करा दूं 360 तो ये बन जाएगा साइन 390. तो साइन 390 कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे, ये भी आ जाएगा आपके पास 0.5. 390 में भी अगर हम 360 ऐड कराएं तो साइन 750, तो ये भी 0.5 आएगा. तो साइन एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें बार बार हम 360 ऐड करा ले इसकी वैल्यू जो है वो रिपीट होगी, आंसर सेम ही रहेगा, आंसर चेंज नहीं होगा. तो क्योंकि 360 को ऐड कराने पे रिजल्ट चेंज नहीं होता, इसीलिए हम 360 को साइन का पीरियड कहते हैं. पीरियड का मतलब होता है कि ये जो फंक्शन है ये अपना एक साइकिल कितने एंगल पे कंप्लीट कर रहा है. जैसा कि अगर हम बात करें
जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहां पर साइन की, कि ये साइन का ग्राफ है, ठीक है, तो ये साइन का एक साइकिल है, ये साइकिल जो है पूरा कंप्लीट हो रहा है 360 डिग्री पर। फिर इसके बाद जो इसका साइकिल है वो दोबारा यही साइकिल कंप्लीट होगा, दोबारा से यही शेप रिपीट होगा 720 डिग्री तक, फिर दोबारा से यही शेप रिपीट होगा इसका, मतलब हर 360 के बाद ये अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है। साइन एक ऐसा फंक्शन है जो अपनी वैल्यूज को हर 360 के बाद रिपीट करता है अपने ग्राफ को। दूसरी बात कहें तो साइन की हम बात करेंगे डोमेन की, कि डोमेन क्या होती है इसकी, साइन एक्स की डोमेन ऑफ एफ भी कहते हैं इसको। बेटा डोमेन एक ऐसी वैल्यू है जिसको रखने पर फंक्शन का रिजल्ट इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, क्योंकि डोमेन हम किसको कहते हैं, इनपुट्स को कहते हैं, मतलब एक्स की जगह जो वैल्यूज रखी जा रही हैं उनको कहा जाता है, कि एक्स की जगह क्या रखूं मैं यहाँ पर कि इसका जो रिजल्ट है वो इन्फिनिटी ना आए। तो बेटा जो फंक्शन फ्रैक्शन में होता है, जैसे कि 10x होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो इसका रिजल्ट तो इन्फिनिटी आ सकता है, 90 डिग्री पर आता भी है, कि साइन 90 अपॉन कॉस 90, मतलब साइन 91 कॉस 90 0, ये अनडिफाइन आता है। तो जो फंक्शन फ्रैक्शन में होते हैं उनका रिजल्ट अनडिफाइन आ सकता है। साइन एक ऐसा फंक्शन है जो फ्रैक्शन में नहीं होता, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसीलिए इसका रिजल्ट अनडिफाइन नहीं आ सकता। तो ऐसे फंक्शन की डोमेन मतलब क्या हम रख सकते हैं इसमें, तो हम तमाम रियल नंबर्स रख सकते हैं, या फिर इस तमाम रियल नंबर्स को हम नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी भी लिखते हैं, मतलब तमाम नेगेटिव वैल्यूज तमाम पॉजिटिव वैल्यूज। रेंज ऑफ एफ की बात करते हैं, रेंज ऑफ एफ क्या है बेटा, साइन का जो रिजल्ट है वो -1 से 1 के दरमियान ही रहता है, मतलब -1 से 1 के दरमियान आता है साइन एक्स का रिजल्ट, जिसको हम 1 is less than equals to y, y is less than 1 equals to 1 भी कहते हैं। तो बेटा अगर हम यहाँ पर साइन का एंगल तब्दील कर दें, साइन 2x लिख दें, साइन 3x लिख दें, साइन 5x अपॉन 2 लिख दें, साइन एक्स अपॉन 2 लिख दें, मतलब एंगल इसका तब्दील कर दें, तो एंगल तब्दील करने से इसकी रेंज और डोमेन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो एंगल कुछ भी हो, डोमेन ऑफ साइन जो है वो क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स। रेंज ऑफ एफ क्या होगी, -1 से 1। तो एंगल कुछ भी आ जाए, डोमेन और रेंज कभी भी तब्दील नहीं होती। डोमेन और रेंज पे इफेक्ट कब आता है, जब आपके पास साइन एक्स के प्रोडक्ट में कोई नंबर आ जाए, 2, 3 sin 3x कोई नंबर आ जाए, तो जब भी कोई नंबर प्रोडक्ट में आएगा तो रेंज पे इफेक्ट आएगा। डोमेन इसकी भी वही रहेगी, ऑल रियल नंबर्स। अब रेंज क्या हो जाएगी इसकी, क्योंकि प्रोडक्ट में 2 आ गया है तो इसकी रेंज होगी -2 से 2। इसी तरह इसकी बात करें, अगर हम इसकी क्या कहते हैं डोमेन, रियल नंबर्स ही होगी। इसकी रेंज क्या होगी, प्रोडक्ट में क्योंकि 3 है तो इसकी रेंज होगी -3 से 3। इसी तरह 5 upon 2 sin x लिखा हुआ अगर, तो इसके साथ भी यही होगा कि इसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स रहेगी, इसकी जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, -5 upon 2 से 5 upon 2। पता ही चल रहा है कि प्रोडक्ट में अगर कोई नंबर आ रहा है साइन के, तो उसकी वजह से इसकी रेंज में चेंज आ रहा है, वरना इसकी रेंज वही रहती है जो साइन एक्स की होती है। एंगल कुछ भी आप कर लें, रेंज पे इफेक्ट नहीं आता, इफेक्ट तब आता है जब प्रोडक्ट में नंबर हो। प्रोडक्ट में जो नंबर आता है वो क्या करता है, y इज इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल 2 sin x लिखा हुआ है हमारे पास,
अब यहाँ पर प्रोडक्ट में टू आ गया, तो इस प्रोडक्ट में टू आने की वजह से ये जो साइन का ग्राफ है, ये साइन का ग्राफ है, इस ग्राफ पे क्या इफेक्ट आता है कि ग्राफ खिंच जाता है, इसको खींच देंगे, इसकी हाइट बढ़ा देंगे, तो इफेक्ट इसका क्या आएगा कि यहां पर जो इसकी हाइट है वो बढ़ जाएगी, इसकी हाइट टू हो जाएगी। हाइट को बेसिकली यहां पर एम्पलीट्यूड कहते हैं, तो इसका एम्पलीट्यूड टू हो जाएगा। तो बेसिकली जो प्रोडक्ट में नंबर आता है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं साइन का, जैसे कि एम्पलीट्यूड ऑफ y इज इक्वल टू 4 साइन x, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या है, जो भी नंबर प्रोडक्ट में है वो है, तो इसका एम्पलीट्यूड है, ये प्रोडक्ट में लिखा है 4, तो इसका एम्पलीट्यूड 4 आ गया। फिर दूसरी क्या बात होती है पीरियड की, कि पीरियड ऑफ साइन 2x का क्या पीरियड होगा। तो पीरियड का एक फॉर्मूला हम बताते हैं, पीरियड इज इक्वल टू एक्चुअल पीरियड ऑफ साइन x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। तो पीरियड एक्चुअल होता है साइन का 2π, x का कोफिशिएंट जो है वो 2 है, तो ये बन जाएगा पाई रेडियंस। पाई रेडियंस का मतलब है अगर इसको हम डिग्री में निकालना चाहें तो एक्चुअल पीरियड होता है साइन का 360, तो ये बन जाएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जो है वो इसका पीरियड बन जाएगा। पीरियड का मतलब 180 है, मतलब 180 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, इससे बात करते हैं। पीरियड 180 डिग्री होने का मतलब ये है कि ये जीरो से 180 डिग्री में अपना एक साइकिल कंप्लीट करेगा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, अगर हम आगे बढ़ जाएंगे ये तो अपना दूसरा साइकिल फिर 180 डिग्री के ऊपर कंप्लीट करेगा। तो ये जो ग्राफ है ये 360 में जाकर अपने दो साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है। तो ये जो ग्राफ था ये साइन के एक्चुअल ग्राफ से कंप्रेस्ड हो जाएगा। तो आसान अल्फाज में हम कहें तो नंबर ऑफ साइकिल्स बराबर है कोफिशिएंट ऑफ एक्स के, कि x का कोफिशिएंट 2 है यहाँ पर, तो नंबर ऑफ साइकिल्स यहाँ पर बन जाएंगे 2। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें पीरियड ऑफ साइन 3x की, तो पीरियड ऑफ साइन 3x हो जाएगा कि एक्चुअल पीरियड 360 है, डिवाइड कर दिया 3 से तो 120 डिग्री आ गया। रेडियन में अगर आ जाएं तो 2π इसका एक्चुअल पीरियड होता है, कोफिशिएंट ऑफ x 3 है तो 3 से डिवाइड कर दिया तो 2π/3 रेडियंस कहलाएगा। अब इसका मतलब यह है कि ग्राफ और कंप्रेस्ड हो जाएगा।
अब इसका मतलब यह है कि ग्राफ और कंप्रेस्ड हो जाएगा, एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा 120 में, फिर दूसरा साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद तीसरा साइकिल कंप्लीट होगा। तो हर एक साइकिल इसका कंप्लीट होगा 120 डिग्री में, क्योंकि इसका पीरियड आ रहा है 120 डिग्री में। तो यहां पर नंबर ऑफ साइकिल्स की अगर हम बात करें तो यहां पे नंबर ऑफ साइकिल्स बराबर है 3 के, क्योंकि एक्स का जो कोफिशेंट है ये 3 है। तो जो कोफिशेंट होगा उतने साइकिल्स जो हैं बनेंगे यहाँ पे। इसी तरह अगर मैं बात करूँ फोर एमसीक्यू नंबर या क्वेश्चन नंबर 4 की, पीरियड ऑफ साइन एक्स अपॉन 2, पीरियड बराबर है, एक्चुअल पीरियड होता है 360, कोफिशेंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशेंट है 1/2, तो ये बन जाएगा 720 डिग्री। रेडियंस में अगर जाएं तो 2π/1/2, तो ये आएगा 4π रेडियंस। तो अब इसका मतलब है कि जो ग्राफ है वो कंप्रेस्ड नहीं होगा, एक्सपेंड हो जाएगा, मतलब 0 से 360 डिग्री तक ये हाफ साइकिल बनेगा इसका। और अगर इसको कंप्लीट करना है तो कंप्लीट साइकिल करने के लिए हमें टोटल 720 डिग्री तक जाना होगा। तो इसका मतलब है कि इसके नंबर ऑफ साइकिल्स क्या होंगे, इसके नंबर ऑफ साइकिल्स हो जाएंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1/2 आंसर आएगा इसका। तो आपसे पीरियड भी पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स भी पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में। फिर इसके बाद हम बात करते हैं फेज शिफ्ट की, या फिर इसका दूसरा नाम हॉरिजॉन्टल शिफ्ट भी है। फेज शिफ्ट या हॉरिजॉन्टल शिफ्ट का मतलब क्या है, नाम से पता चल रहा है कि किसी चीज को शिफ्ट किया जा रहा है। ये हमारे पास वाई एक्सिस आ गया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ गया, ये हम साइन का ग्राफ यहां लिया है, ये साइन एक्स का ग्राफ है। जो कि 0 से शुरू हो रहा है, 360 पे एंड हो रहा है। अब मैंने क्या किया बेटा, इस ग्राफ को यहां से पुश कर दिया, यहां से धक्का दे दिया। कैसे धक्का दिया भाई, ये ग्राफ अपनी पोजीशन पे था, ठीक है भाई, ये ग्राफ अपनी पोजीशन पे मौजूद था। हमने इसको यहां से मूव कर दिया। तो हमने क्या किया कि ग्राफ अपनी एक्चुअल पोजीशन पे था, यहां पे 0 से शुरू हो रहा था, हमने इस ग्राफ को हॉरिजॉन्टली धक्का दिया और इस तरफ मूव कर दिया, इस तरफ ले गया। तो आपके सामने है कि हॉरिजॉन्टली हम यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ ले गए ग्राफ को। तो इस ग्राफ ने यहाँ से यहाँ तक एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर लिया। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को फेज शिफ्ट
या फिर हॉरिजॉन्टल शिफ्ट कहा जाता है। ये शिफ्ट कब होता है कि जब ये ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन x का, तो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट या फेज शिफ्ट साइन के ग्राफ में कब मौजूद होगा, जब x के साथ कोई नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा हो या फिर उसके अंदर कोई नंबर ऐड हो रहा हो, जैसे कि यहां पर मैंने c लिख दिया। तो अगर साइन एक्स है खाली तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे होगा ग्राफ, लेकिन एक्स में कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो जाएगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चला जाएगा। जैसे कि अगर मेरे पास है वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 30 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर कुछ वैल्यूज रखता हूँ एक्स, पुटिंग एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो मेरे पास फंक्शन का जो रिजल्ट है वाई का ये आएगा 0 प्लस 30, ये आएगा साइन 30 जो कि 0.5 आएगा। पुटिंग एक्स इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, एक्स की जगह 0 के बाद 30 रखता हूँ मैं, तो y की वैल्यू आएगी साइन 30 प्लस 30, तो ये आ जाएगा साइन 60 जो कि हमारे पास होगा 0.86। अच्छा, तो छोटा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए हम यहाँ ग्राफ को ज़रा प्लॉट कर रहे हैं। अगर हम x की जगह 0 रखते हैं तो 0.5 इसका रिजल्ट आ रहा है, तो 0 पे 0.5 रिजल्ट आ रहा है, ये पॉइंट बन रहा है। 30 डिग्री पर 0.86 आ रहा है, तो 30 डिग्री पर 0.86 का मतलब 0.5 ये रहा, 7, 8 और यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। 60 रखते हैं, y इज इक्वल्स टू साइन 60 प्लस 30, तो साइन 91 होता है, तो 60 पे इसका रिजल्ट 1 आएगा। 90 रखते हैं, 0.86 आएगा। 120 रखते हैं, 0.5 आएगा। 150 पे 0 आ जाएगा। 180 पे माइनस का 0.5 आएगा। 210 पे 0.86 आएगा। 240 पे आ जाएगा ये, फिर उसके बाद 0 हो जाएगा। तो जब हम इसको प्लॉट करेंगे यहाँ पर, इनके पॉइंट्स को मिलाएंगे, तो मिलाने पर हमारे पास जो ग्राफ बन रहा है वो साइन का कंप्लीट ग्राफ नहीं बनेगा। आपके सामने है कि यहाँ पर जो साइन का ग्राफ है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो साइन का जो ग्राफ है वो कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट करने के लिए इसको यहाँ से एक्सटेंड करना पड़ेगा ताकि इसका साइकिल कंप्लीट हो जाए। मतलब ये यहाँ पर जाकर ख़त्म हो, कहाँ जाकर मिलेगा, ये बनेगा बेसिकली माइनस के 30 डिग्री पे। तो माइनस के 30 डिग्री का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है, जो इसका हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है, वो माइनस 30 डिग्री कहलाएगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो गया। तो ये लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो गया मतलब यहाँ पर एक्स के अंदर 30 ऐड हो रहा है। तो जो भी नंबर हमारे पास लिखा हुआ एक्स के साथ, इसकी साइन चेंज कर देंगे। फेस शिफ्ट क्या होगा, इसमें यहाँ पर 30 लिखा हुआ है, इसकी साइन चेंज कर देंगे, इसका फेस शिफ्ट होगा माइनस 30 डिग्री। तो आपके पास y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 5 अगर लिखा हुआ है, तो इसका फेस शिफ्ट -5 होगा। अगर आपके पास y इज इक्वल टू साइन एक्स -7 लिखा हुआ है, तो इसका फेस शिफ्ट 7 होगा। जो भी साइन है -7 है, तो साइन चेंज हो जाएगी, +7 हो जाएगा।
एक्स का कोफिशेंट भी आ सकता है। तो अगर हमारे पास फंक्शन इस फॉर्म में है, वाई इज इक्वल्स टू थ्री साइन टू एक्स प्लस थ्री, तो यहाँ पर ए कहते हैं हम इसको, बी कहते हैं इसको, सी कहते हैं इसको। हमारे पास एम्पलीट्यूड है इसका थ्री, मतलब ए जो है इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। इसका जो फेस शिफ्ट है वो माइनस का सी अपॉन बी है, माइनस का थ्री अपॉन टू कहलाएगा। अगर इसका कोई आपसे कहे पीरियड निकालो, तो इसका पीरियड होगा 360 डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशेंट टू है यहाँ पर, तो डिवाइड करेंगे टू से, तो इसका पीरियड होगा 180 डिग्री, और रेडियंस में पाई रेडियंस। फिर इसके बाद हम बात करते हैं वर्टिकल शिफ्ट की। वर्टिकल शिफ्ट क्या है? कि ये मेरे पास साइन का ग्राफ है, जीरो से शुरू हो रहा है, 360 पे खत्म हो रहा है। अगर मैं इसी ग्राफ को उठाकर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ले जाऊं, मतलब इस ग्राफ को इस पॉइंट से ऊपर ले जाऊं, मतलब इस ग्राफ को यहां ले जाऊं ऊपर, तो ये वर्टिकली ऊपर चला गया, मतलब इस पॉइंट पे था ये, अब इस पॉइंट पे चला गया, ये किसी एक हाइट पर चला गया, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस पर चला गया। इस वर्टिकल डिस्टेंस को वर्टिकल शिफ्ट कहा जाता है। वर्टिकल शिफ्ट कब होता है फंक्शन में? जब y इज इक्वल्स टू साइन एक्स लिखा हो अलग, साथ में एक नंबर ऐड हो रहा हो d, इसको वर्टिकल शिफ्ट। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 1/2 साइन 2x प्लस 5। इस फंक्शन की अगर हम बात करें तो a ये रहा, b ये रहा, c नहीं है, ये d होगा। तो हम कहेंगे एम्पलीट्यूड इसका है a 1/2, इसका फेस शिफ्ट है माइनस का सी अपॉन बी, सी नहीं है जीरो है, बी टू है, तो फेस शिफ्ट जीरो होगा। इसका वर्टिकल शिफ्ट है डी जो कि फाइव होगा। इसी का एक एमसीक्यू आता है, रेंज ऑफ वाई इज इक्वल्स टू टू साइन एक्स प्लस फाइव, इसकी रेंज निकालनी है। तो बेटा हमें एक बात पता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स है प्लस वन, और मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स है माइनस वन। तो हमारे पास फंक्शन लिखा हुआ है वाई इज इक्वल्स टू टू साइन एक्स प्लस फाइव, तो टू अपनी जगह पे रहेगा,
साइन एक्स लिखा हुआ है, साइन एक्स की जगह साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू रख देंगे, मतलब साइन एक्स की जगह वन रख देंगे, तो वाई की वैल्यू आएगी 2 + 5 मतलब 7। फिर हमें पता है कि वाई बराबर है 2 sin x + 5 के। तो अब हम करेंगे क्या कि साइन एक्स की जगह साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू लिखेंगे, तो साइन की मिनिमम वैल्यू है -1, तो y आएगा -2 + 5, तो y आ गया 3। तो अब इसका रिजल्ट 3 और 5 आ रहा है, 3 और 7 आ रहा है, तो इसकी रेंज होगी 3, 7, मतलब 3 से 7 के दरमियान जो है वो फंक्शन बन रहा होगा, जो ग्राफ बन रहा होगा इसका।